जब परिवर्तन होता है तो सामने दिखने लगता है। उत्तर प्रदेश में इतने व्यापक स्तर पर इन्वेस्टर समिट होना, इन्वेस्टर समिट में इतने निवेशकों और उद्यमियों का एकजुट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं यूपी के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी को, मंत्रिमंडल के उनके सभी साथियों को, यहां की ब्यूरोक्रेसी को, यहां के पुलिस विभाग को और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को बधाई देता हूं कि वो अपने उत्तर प्रदेश को इतने कम समय में समृद्धि और विकास के रास्ते पर ले जाने में सफल हुए हैं। पहले की स्थितियां क्या थी, किन वजहों से थी, ये यूपी के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। भय और असुरक्षा के माहौल में जब सामान्य मानवी उसका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है तो फिर उद्योगों के लिए तो सोच ही कैसे सकते। विकास की बात करना, नौजवानों को नए अवसर की बात करना, मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस की बात करना, मैं नहीं मानता हूं कि ऐसे माहौल का कभी संभव था। नेगेटिविटी भरे उस माहौल से राज्य को पॉजिटिविटी की तरफ लाना, हताशा निराशा उससे अलग करके उम्मीद की किरण जगाने का काम योगी सरकार ने किया है, वे बधाई के पात्र हैं। उत्तर प्रदेश में अब वो बुनियाद तैयार हो चुकी है जिस पर न्यू उत्तर प्रदेश की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण होगा। और इसलिए इस पवित्र कार्य में, इस पवित्र यज्ञ में शामिल होने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए मैं आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में पुरानी कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। उत्तर प्रदेश में संसाधन और सामर्थ्य का इतना विस्तार है कि यहां पर सैकड़ों वर्षों से लगभग हर क्षेत्र की एक अपनी अलग पहचान रही है। लखनऊ के चिकन का काम मशहूर है तो मलिहाबाद के आम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। भदोही की कालीन है तो बनारस की जरी जरदोजी की कला और साड़ियां की धूम है। मुरादाबाद में बने पीतल के बर्तन देश विदेश जाते हैं तो फिरोजाबाद का कांच चमक दिखा के ही रहता है। ये हमारे आगरे के पेटा है तो कनौज का इत्र भी है। यहां सुबह बनारस है तो अवध की शाम भी है। यहां ताजमहल सारनाथ है तो अयोध्या मथुरा काशी भी है। यहां राम की लीला है तो कृष्ण की रास भी है। यहां गंगा है, यमुना है तो सरयू जी का आशीर्वाद भी है। यहां आईआईटी कानपुर है, आईआईएम लखनऊ है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे महान संस्थान भी यहां पर है। ये उत्तर प्रदेश का गौरवशाली इतिहास ही नहीं, यहां का वर्तमान भी है। ये झलक उत्तर प्रदेश के टेक्सटाइल सेक्टर की है, टूरिज्म सेक्टर की है। ये झलक यहां के कल्चर की है,
एग्रीकल्चर की है, ये झलक यहां की शिक्षा की है, ये झलक यूपी की शक्ति की है, यूपी की भक्ति की है। यही वो सामर्थ्य है, वो ताकत है जिसके दम पर उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश आज अनाज के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, गन्ने के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में पूरे देश का नंबर वन स्टेट है। देश में दूसरे नंबर पर सब्जियां और तीसरे नंबर फलों का उत्पादन भी इसी उत्तर प्रदेश में होता है। लघु उद्योग के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। बीते कई वर्षों में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने राज्य को इस तरह संभालने वाले यूपी के कोटि कोटि भाइयों बहनों को मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। लेकिन नंबर वन नंबर टू के इस कंपटीशन के बीच कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर भी मंथन किया जाना आवश्यक है। सवाल यह कि अब आगे क्या, क्या उत्तर प्रदेश की क्षमता सिर्फ इतनी ही है? क्या उत्तर प्रदेश अपने सामर्थ्य से पूरा न्याय कर पा रहा है? साथियों, उत्तर प्रदेश में वैल्यूज हैं, वर्च्यूज हैं, लेकिन अब बदले हुए समय में वैल्यू एडिशन की भी ज्यादा आवश्यकता है। सिर्फ वर्क कल्चर में ही नहीं, सिर्फ बिजनेस कल्चर में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में यूपी की जो कोर स्ट्रेंथ है उसमें वैल्यू एडिशन की आज बहुत जरूरत है। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी की सरकार इस बात का ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय ले रही है, नीतियां बना रही है। यूपी में औद्योगिक निवेश को रोजगार सृजन से जोड़ते हुए यहां पर नीतियां बनाई जाती हैं, नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं। योगी जी की सरकार द्वारा अलग अलग सेक्टरों के हिसाब से अलग अलग पॉलिसीज बनाकर काम किया जा रहा है। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, रिन्यूएबल पावर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे अनेक क्षेत्रों के लिए अनेक दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाली नीतियां बनाई गई हैं। अब यूपी में उद्यमियों के लिए रेड टैप नहीं, रेड कारपेट होगा।